मेरी पढ़ाई के साथ साथ मैंने हैंडलूम सीखा, क्यों चूँकि हमारे घर में ही ये माहौल था कि वीविंग का कारखाना था। क्योंकि नामासाइद हालात में हम ज़्यादा घर में ही रहते थे, मैंने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समझ के हैंडलूम वीविंग को अपना रोज़गार का वसीला बना दिया है। तो उन दिनों शहतूत का शॉल बनाया करते थे, तो वर्ल्ड का वो फेमस वूल है। गवर्नमेंट की तरफ से जब उसको बैन आ गई है तो उसके बाद पश्मीना प्रमोट हो गया है। पश्मीना वीविंग के साथ ही मैंने मतलब पश्मीना कहानी जो हमारे रिच हेरिटेज हुआ करता था, बहुत ही साल पहले मुग़ल पीरियड में ये कहानी शॉल का काम करते थे, तो मैंने ये सीख लिया है। तो मैंने कहानी शॉल डिज़ाइनिंग भी सीखी उसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल वीवर सर्विस सेंटर में यहाँ पर डिज़ाइनिंग में भी अपना मतलब कोर्स किया, वीविंग में भी किया। उन दिनों वहाँ पर महमूदुल हसन डिप्टी डायरेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने जब मेरे घर में आके मुझे देख लिया मेरा काम, उन्होंने बोला आप बहुत इंट्रिकेटेड काम करती हो तो आप क्यों नहीं अवार्ड के लिए एंट्री भरती हो। उन्होंने फाइनेंशियली तो नहीं मैं कहूँगा वो एक सपोर्ट दे दिया है कि जिसे मैं मतलब नेशनल अवार्ड एंट्री के लिए मतलब प्रिपरेशन करूँ। अल्लाह ताला का करम है और वहाँ के ऑफिसर्स की मदद हेल्प से और अपनी मेहनत से दिन रात काम करके 8 महीने का शॉल जामे वार तैयार करके मेरी नेशनल अवार्ड की मतलब सिलेक्शन हो गई। उसके साथ मेरे एवेन्यूज़ खुल गए, मार्केटिंग खुल गई और मैंने अपने साथ साथ बहुत सारे लड़कों को ये रोज़गार का कहानी शॉल सिखा दिया है और वो अभी भी वो ये काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये हैंडलूम जो है मेरे लिए इबादत का एक वसीला बन गया है।